आई प्रोडक्शन लग चुका है। आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं बिकॉज गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है एंड मेरे को नॉइज नहीं चाहिए, तो इससे हम लोग बहुत ही जल्दी झटपटाफटफट खत्म करेंगे इसे। सो आओ देखते हैं एक्वाटिक रिव्यू सबमिशन में इस हफ्ते, मतलब इस हफ्ते नहीं, दो हफ्ते हो चुके हैं। आई नो मैं इस चीज के लिए बहुत ही ज्यादा लेजी हूँ, मेरे को पिछले हफ्ते इस चीज को अपलोड करना था बट मैंने लेट कर दिया। जो भी हो बकवास को सेस करते हैं यहाँ पे, सेस मतलब एंड। हाँ ठीक है, तो आज देखते हैं, मतलब अभी देखते हैं कि क्या तुम लोगों ने भेजा है। ओके, मीट माई टू कोरीज रमेश एंड सुरेश। अच्छा आई थिंक सो मैंने ये वाले दोनों कोरीज को पहले भी देखा है, हाँ ये मेरे को टैंक याद है। सो कोरीज के बारे में मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। बहुत लोग कोरी कैटफिश के बारे में ये सोचते हैं कि ये बॉटम ड्वेलर्स हैं तो नीचे में ही हमेशा घूमते रहेंगे, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। कोरीज के साथ वन ऑफ द मोस्ट कम्युनिटी टैंक में यूज होने वाली कोरी कैटफिश है, बहुत ही फ्रेंडली रहती है, प्लस ये चारों तरफ घूमती रहती है। मतलब समझ लो कि ये बॉटम ड्वेलर्स होने के बाद भी पूरे टैंक में नाचती फिरेंगी तुम्हें, एंड ये इनका नेचर ऐसा ही होता है। सो बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। इन फिशेस का नाम आई थिंक सो विडो है, इंडियन ब्रीड है आई थिंक सो विडो। एंड अगर विडो टेट्रा के अलग अलग कलर्स आते हैं, रेडियम कलर, मतलब नियॉन कलर, एक्चुअली रेडियम कलर वैसे कुछ अलग ही जा रहा था मैं फिलहाल, तो अगर नियॉन कलर इसे इंजेक्ट करके ऐसे अगर कोई फिशेस बनाता है सो बहुत ही गलत है बिकॉज वो फिश अब्यूज में आता है। अगर ये सारे फिशेस ऐसे ही बनती हैं सो आई विल सजेस्ट कि ऐसे फिशेस तुम लोग ना खरीदो, ऑल्दो तुम्हारी चॉइस है, लेकिन अगर डिपेंड करता है कि कैसे वो फिश बनी है। जो भी फिश हॉबी में फिशेस रहती है वो सारी मैनमेड फिशेस है, लेकिन इतनी क्वालिटी के साथ तो उन्हें नहीं बनाया जाता, क्रॉस ब्रीडिंग किया जाता है बेसिकली। बट ऐसे इंजेक्ट करके फिशेस को बनाना इट्स वेरी रॉन्ग यार, बिकॉज यहाँ पे तुम लोग जैसे इन साहब को देख सकते हो, ये इंजेक्ट कर रहा है विडो टेट्रा के अंदर में ये नियॉन कलर, जिससे ये एकदम ऐसी कलर बन जा रही है। मेरे को नहीं लगता कि इसे फ्लेक्स करना ये सही बात है कि तुम भाई किसी फिश को ऐसे इंजेक्ट कर रहे हो, ओ माय गॉड क्या फिश बना दिया मैंने, ओ ऐसा बिल्कुल भी रिएक्शन मेरे को पसंद नहीं है भाई, मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। अगर ये फिशेस ऐसे बनती हैं प्लीज इन्हें मत खरीदा करो। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। प्लांटेड टैंक 7 days सेटअप विदाउट CO2 और फर्टिलाइजर यूजिंग गार्डन सॉयल एंड कंस्ट्रक्शन सैंड। फिश ब्लू स्मोक लेपर्ड एंजल, गोल्डन स्मोक, ग्रीन लेपर्ड एंजल, बप इतना बड़ा नाम, ओके ब्लैक एंजल, 2 पिंक विडो, 2 ग्रीन विडो एंड 1 हनी गोरामी लिली, रेड टेल रेनबो शार्क। ऑलराइट, सो यहाँ पे प्लांट बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, यहाँ पे शायद अम्बोलिया है साइड में, इसमें हाइग्रोफिला पॉलिस्फर्मा पीछे में है आई थिंक सो। ये हवेली स्नेह एरिया मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद है। जहां तक बात रहा है गुरामी इसका एक कम्युनिटी टैंक है, एंड जहां तक मैंने विडो टेट्रा के बारे में बताया, विडो डेनियोस भी आजकल नियॉन डेनियोस भी आने लगी हैं, ग्रीन रेड ब्लू, पता नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन इधर उधर शेयर करते रहते हैं हम लोग जो भी हॉबिस्ट है या फिर जो भी शॉपकीपर्स है। सो वो बताते हैं कि विडो टेट्रा को ये सारे ट्रीटमेंट देने के बाद कि इसके कलर कैसे चेंज होते हैं, ऑल्दो मेरे को पता नहीं था कि ये एक्चुअली ऐसे इंजेक्ट मेथड से बनते हैं, अगर ऐसे बनते हैं या फिर डिप भी किया जाता है इन्हें कलर में सो उनका लाइफ स्पैन बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। बहुत लोग तो 1 महीने भी शायद नहीं टिकती हैं ये सारी विडो टेट्रा, बट रखने वाले के भी ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यार फिर भी उस फिश को तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस मिला है, बहुत ही ज्यादा उसकी इंजुरी हुई होगी अगर इंजेक्शन मेथड से बना वो। ब्लैक टेप की वजह से यहाँ पे एजिंग बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है, ऑल्दो बहुत लोग सिलिकॉन भी यूज करते हैं ब्लैक, बट यहाँ पे तुमने ब्लैक टेप यूज किया, नॉट बैड। अगर इसको रेटिंग देने की बात आएगी तो आई विल गिव लाइक 7 out of 10। आई लाइक द स्टॉकिंग्स, आई लाइक द प्लांट्स एंड फिल्टरेशन सिस्टम भी इसका बहुत ही बढ़िया है, ऑल्दो मेरा रेप्लिका लग रहा है, लेकिन जो भी हो यू आर इन द ट्रू फिश कीपर अंटिल यू ड्रैंक कॉपियस अमाउंट ऑफ टैंक वाटर। एक्चुअली जो भी ये सारे फिश कीपर रहते हैं उन्होंने कभी ना कभी तो अपने टैंक का पानी पिया है, जब भी एकदम साइफन वगैरह करो पाइप डाल के तो तुम्हें वहां पे कुछ ना कुछ अंदर चली जाता है, बहुत बार हुआ है मेरे साथ, ये कोई जानने वाली बात है नहीं। मेरे हेल्दी रहने का राज बेनिफिशियल बैक्टीरिया फ्रॉम द टैंक, ये शायद ज्यादा हो गया, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टैंक पे। माई DIY ड्रिफ्टवुड फॉर स्मॉल प्लांटेड टैंक हाउ इज इट, देख के ही ऐसा लग रहा है कि बहुत ही हार्डवुड ट्रिक है, कीप इट अप ब्रो, DIY ड्रिफ्टवुड बनाओ बिकॉज ऐसे तुम खरीदने जाओगे तो बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ेगा। और यहाँ पे मैं फिलहाल अपनी प्रमोशन कर रहा हूँ बिकॉज इसका वीडियो मैंने पहले ही बना के दिखाया, तुम लोग जाके देख सकते हो कैसे तुम लोग ड्रिफ्टवुड को बना सकते हो, मतलब एक्चुअली बना नहीं सकते हो, उसे कैसे क्योर करते हैं अपने प्लांट में डालने से पहले, गो चेक इट आउट।
बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले टैंक में. थैंक यू फॉर दिस पोस्ट. माई फर्स्ट एक्वास्केप एवर. ये फर्स्ट एक्वास्केप है रियली? कबोम्बा पीछे में आई थिंक सो. ये है बाकुपा मोनियरिस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो. नीचे में है आई थिंक सो, ये शायद मैं यहाँ पे रैप करने क्यों बैठा हूँ, जो भी हो. नीचे में एक्वा सॉयल है एंड स्टॉकिंग्स तो मेरे को एक भी नहीं दिख रही है. प्लांटेड टैंक तुम यूज करो विथ एक्वा सॉयल. एक्वास्केपिंग में तुम थोड़े से अगर काम करते तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहता, बिकॉज ये एक्वास्केपिंग में अगर मैं इसे जज करूँ तो आई विल गिव लाइक 5 out of 10, बिकॉज तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेटर कर सकते हो. और दो स्टॉकिंग्स भी नहीं है इसमें. अगर बेटा फिश के लिए बना रहे हो तो बहुत ही बढ़िया, अगर बहुत सारी नैनो फिश भी रख रहे हो तो भी बढ़िया. मैं वेट कर रहा हूँ देखने के लिए. बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली टैंक पे. आई कॉट सम वाइल्ड किली फिश फ्रॉम रिवर. ओ वो ऑलराइट. सो यहाँ पे ये माथे पे तारा देख के मैं समझ गया ये भाई ब्लू पेंचेक्स किली फिश है जो मैं भी पकड़ रहा था. वीडियो जाके देखो, खुद का प्रमोशन कितना करूंगा मैं. Alright, so, इनका ध्यान रखना. पढ़ते हैं नेक्स्ट. आफ्टर 9 pics. ओ माय गॉड, तुम्हारे फिश पोज नहीं करती है. आई थिंक सो वो कैमरा शाई है. जो भी हो, पीछे में बड़े साइज के अमेज़न स्वॉर्ड दिख रहा है जो कि ऐसे ही जहां तहां लगाए गए हैं. और तो वो ग्रो करेंगे अगर सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइट उन्हें मिलता है. इस बेटा फिश के लिए लाइक मारो प्लीज. चलो आई थिंक सो यहाँ पे तुम्हें सबसे ज्यादा बेटर क्या करना चाहिए, थोड़े से फ्लोटर्स डालो वो ज्यादा बेटर होंगे. एंड थोड़ी से और अलग वेराइटीज की तुम प्लांट्स लगा सकते हो तो उससे थोड़ा सा और फीलिंग और थोड़ा सा और डेप्थ आता है एक्वास्केप में. कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू क्योर माई एलिगेटर गर्ल? ही इज हैविंग अ लंप बिलो हिज जॉ एंड इज हैविंग डिफिकल्ट ब्रीथिंग. इफ एनीवन नोज एनीथिंग हाउ टू हेल्प माई एलिगेटर प्लीज कमेंट क्विकली, आई डोंट वॉन्ट टू लूज माई गर्ल. सो एक्चुअली एलिगेटर गर्ल इज अ मॉन्स्टर फिश. मेक श्योर कि तुम उसे एक बहुत ही डिसेंट साइज के टैंक में रखो. एंड यहाँ पे मैंने बहुत इसीलिए बोला बिकॉज 5 foot के एक्वेरियम में 5 foot का एलिगेटर गार रहेगा तो कोई मतलब नहीं बनेगा. ये आई थिंक सो अभी छोटा है, सो मिनिमल 3 foot का एक्वेरियम तुम्हारे पास होना ही चाहिए. मैं इस चीज के बारे में श्योर नहीं हूँ कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है उसको, बट अगर कुछ ऐसा है तो तुम तीन चीजें तो एटलीस्ट 3 चीजें फॉलो करके रखो, तुम्हें कुछ हेल्प तो जरूर मिलेगा. यहाँ पे एक एक्वेरियम सॉल्ट नाम का चीज आता है या फिर रॉक सॉल्ट जो भी होता है. इंजरी क्योर करने के लिए जो वाला सॉल्ट यूज किया जाता है उसे तुम पानी में डालो. 20-20% वाटर चेंज करो 3-3, 2-2 दिन पे, जैसे तुम प्रेफरेबल हो, बट वाटर को क्लियर रखो. एंड जहां तक बात रहा इसके फिल्टरेशन सिस्टम को तुम्हें बहुत ही ज्यादा बढ़िया रखना है. एयर फ्लो अच्छा से होना चाहिए, मतलब पंप वंप लगा के रखो ताकि उसके ऑक्सीजनेटेड रहे वाटर. ये चीजें तुम लोग फॉलो कर सकते हो. बाकी सारी चीजें मैं एक्चुअली इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इन सारी चीजों के लिए, तो तुम थोड़े से ऑनलाइन वीडियोस या फिर सर्च कर सकते हो कि एक्चुअली दिक्कत क्या आ रही है, मेरे प्रॉब्लम ये है. पेशेंस रखो खुद के अंदर एंड जो भी मैंने बताया वो चीज को फॉलो करो, थोड़ा सी और रिसर्च करो एंड देखो तुम्हें प्रॉपर क्योर मिल जाएगा इस फिश की. ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले पोस्ट पे. टुडे आई गॉट 2 pairs ऑफ रैम सिकलेट फॉर माय ब्लैक वाटर एक्वेरियम. वेल, कैन एनीवन टेल हाउ टू फीड देम? ट्राई करो कि पैलेट फीड करो, उसके स्थान थोड़े से ब्लड वर्म्स फीड करो. एंड जहां तक बात रहा ट्यूबिफिक्स वर्म्स के, तो वो फ्लोटिंग टाइप होते हैं तो आई डोंट थिंक सो वो अभी खाना पसंद करेंगे. थोड़े से भूखे होंगे तब जाके खाएंगे. थोड़ा सा सिंकेबल पैलेट खिलाओ जो कि वो नीचे में जाकर चुन के खाने पाए, बिकॉज स्टार्टिंग में कोई भी फिशेस ट्राई होती हैं ऊपर आने के लिए अगर वो टॉप फीडर नहीं है तो. एंड ये तो बेसिकली जो भी रैम्स होती है वो शायद मिडिल एरिया में घूमना ज्यादा पसंद करती हैं, मिडिल एरिया के फिशेस हैं. सेगिचेरिया ऐसे लंबे लंबे हो रहे पीछे, वेलिस्नेरिया और साइड में आई थिंक सो ये क्रिप्टोकोरिन विंडीटी कुछ वैसा ही नाम है. ऊपर में ये वाले फ्लोटर्स मेरे को चाहिए भाई, देख के मजा आ गया. एंजल से कुछ तुम्हारे ये आई थिंक सो ये कोई एंजल है, ये ब्लैक स्ट्रिप जीब्रा एंजल. जीब्रा एंजल भी होता है कुछ, शायद इसे जीब्रा एंजल बोलते हैं, मुझे नहीं पता. ये नॉर्मल एंजल है, ये कोई है. बाय द वे ये ऐसा स्केप देख के मेरे को बहुत ही बढ़िया लग रहा है यार, सही में. मतलब आगे में सेगिटेरिया, पीछे में वेलिस्नेरिया, एक बढ़िया सा स्मॉल स्टेप साइज डिजाइन लग रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया है. एंड ये स्केप कह सकते हैं इसे डच स्टाइल स्केप, हालांकि कुछ वैसा है नहीं, तब भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है मेरे को. इससे अगर मेरे को रेटिंग देना होगा आई विल गिव 6.69 out of 10. जो भी हो बहुत ही बढ़िया है टैंक. यहाँ पर मेरे को एक थर्मामीटर भी दिख रहा है, गुड वन. ऑलराइट,
इस वाली वीडियो के लिए बस इतना है, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, इसे मेरे को ज्यादा पकाना नहीं है, मिलते हैं नेक्स्ट वाली एक्वाटिक रिव्यू सबमिशन के वीडियो में, एंड पसीने पोंछते हैं, बाय बाय।